नमस्कार, मैं शमसुल एबी और आप देख रहे हैं एनएच। तो आज हम बात करेंगे रेलवेज का। आप लोगों को पता है कि मीटर गोज जो लमडिंग से लेकर बदरपुर तक जो चलता था जो ट्रेन, वो करीब करीब 100 साल से ज़्यादा इस रूट में चला है। यानी कि मीटर गोज का जो सेक्शन था वो करीब करीब 100 साल से ज़्यादा चला है, और उसके बाद कन्वर्शन हुआ है बीजी में यानी कि बोर्ड गोज में, और ये 2015 से बोर्ड गोज अब चल रहा है इसी लामडिंग से लेकर बदरपुर के बीच। तो आज हम बात करेंगे जो पुराना जो रेलवे ट्रैक था वहाँ पे, अब वो जगह पूरा एबंडन हो गया, यानी कि वो जगह अब खाली था काफ़ी दिनों से, और अब कुछ लोगों ने उसमें अपना अपना घर भी बना लिया है, कुछ एनक्रोचमेंट भी हो गया ऐसे रेलवे का कहना है। अब रेलवे ने एक डिसीजन लिया है कि ये जो ट्रैक है इसमें जहाँ जहाँ भी एनक्रोचमेंट हुआ है रेलवे का ज़मीन, उसको अब बहुत ही जल्द खाली कराया जाएगा। और अभी हाल ही में एक मीटिंग हुआ था, और इस मीटिंग में बिप्लब कुमार देव जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है वो भी वहाँ पे मौजूद थे उसी मीटिंग में जो लामडिंग में हुआ था अभी कुछ दिन पहले, और इसी में ये डिसीजन हुआ था। तो हम बिप्लब कुमार देव के पास चलते हैं, वो भी हमारे पास साथ है अगले स्टूडियो में। तो बिप्लब कुमार देव, आप ये बताइए कि आप वहाँ मीटिंग में मौजूद थे, और ये जो बीजी का जो ये पूरा रूट है लामडिंग से लेकर बदरपुर तक, उसके बारे में मीटिंग में क्या हुआ, क्या क्या बात हुई, ये ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी शमसुल भी, लास्ट इसी महीने का जो 24 तारीख को लामडिंग का डीआरएम का जो ऑफिस था वहाँ पे डीआरयूसीसी यानी कि डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी का एक मीटिंग था, जो इस मीटिंग में मैंने भी भाग लिया क्योंकि डिमा साहब से जो डीआरयूसीसी का मेंबर मुझे चुना गया था, इसलिए इस बैठक में मुझे भी आमंत्रित किया गया था रेलवे का ओर से, तो इस बैठक में मैं भी मौजूद था। तो इस बैठक कि बैठक में जो बातचीत हुआ है काफ़ी सारे जो रेलवे का डिमा साहू का रेलवे का डेवलपमेंट को लेके बातचीत हुआ है, लेकिन एक बात जो है डीआरएम जीएस लकड़ा ने कहा है कि डिमा साहू जिले में जो जितना भी रेलवे का ज़मीन जो है जो एनक्रोचमेंट हुआ है उसको जल्दी ही जल्द खाली कराया जाएगा, क्योंकि इस जो जमीन जो एनक्रोचमेंट हुआ है लैंड एनक्रोचमेंट हुआ है उस पर जो 100 ईयर्स पुराना जो लामडिंग बदरपुर का मीटर गेज रेल लाइन था उसी को देखते हुए, क्योंकि फिलहाल ये लाइन को तोड़ दिया गया है, उसको तोड़ के अभी बीजी में लामडिंग बदरपुर सेक्शन को बीजी में कन्वर्ट किया गया है, तो हेरिटेज को देखते हुए इसी जब रेल का जहाँ जहाँ जमी है इस लैंड है वहाँ पे जो रेलवे ने म्यूज़ियम या कुछ ऐसा हेरिटेज के तौर पे बनाने का सोच रहा है, तो इसके चलते हुए जो है डीआरएम ने कहा कि डिमा हसाव में जहाँ पे भी रेल का जमीन एनक्रोच हुआ है लैंड एनक्रोच हुआ है उनको जल्दी ही जल्दी खाली कराने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। तो विप्लव जी, आप ये भी बताइए कि ये जो ट्रैक है इसको हेरिटेज बनने के लिए, जो ये हेरिटेज काफ़ी लोग इसको डिमांड कर रहे थे कि ये जो ट्रैक जो वो ब्रिटिश का जो ये पूरा लाइन था जो ब्रिटिश ने बनाया था उसको हेरिटेज में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन काफ़ी समय हमने देखा कि रेलवे के तरफ से इसमें कोई खास इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, क्या इस मीटिंग में इसके बारे में भी कोई बातचीत हुआ है? हाँ शमसुल जी, उस दिन जो मीटिंग में मैंने रेस किया था जो लामडिंग और बदरपुर मीटर गेज जो 100 साल पुराना मीटर गेज है, तो उसी लाइन को यहाँ की काफ़ी संगठन जैसे कि रेलवे पैसेंजर्स एम्यूनिटीज एसोसिएशन और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत दिनों से दावी करके आ रहा है कि माहूर से डिटेक्चरा तो जो एमजी लाइन है उसको हेरिटेज लाइन का हिसाब से रखा जाए, लेकिन उस दिन इस बैठक में जब मैंने ये क्वेश्चन डीआरएम जी को किया था तो डीआरएम ने कहा है कि फिलहाल रेलवे के पास ये जो हेरिटेज लाइन बनाने के लिए सफिशियंट फंड नहीं है, तो एनएफ रेलवे ने जो ये, क्योंकि अगर उसको हेरिटेज लाइन का तौर पर रखा जाए तो डिमा हसाव जिले का टूरिज्म जो है वो बूस्ट हो सकता है, तो टूरिज्म की तरफ देखते हुए एनएफ रेलवे ने स्टेट गवर्नमेंट और जो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनको एक चिट्ठी लिखा था जो अगर स्टेट गवर्नमेंट और
टूरिज्म डिपार्टमेंट माहूर से लेकर डिटेक्चरा तक जो एमजी लाइन का पार्ट है उसका अगर हेरिटेज लाइन का हिसाब से रखना चाहता है तो रेल को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर चाहे तो रेल उनको ये लाइन बनाने के लिए मदद कर सकता है। इसको देखते हुए रेलवे ने स्टेट गवर्नमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखा था, लेकिन फिलहाल डीआरएम जीएस लकड़ा ने उस दिन जो मीटिंग हुआ था उसमें बताया कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट से इस चिट्ठी का कोई जवाब उनको नहीं मिला। हाँ समसुले भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया विप्लव कुमार देव और हमें ये जानकारी देने के लिए। तो ये है थे विप्लव कुमार देव। तो चलिए आगे बात करते हैं लांगटिंग का। आज बताया जा रहा है कि लांगटिंग में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ और उसके चलते चारों तरफ पानी ही पानी हो गया और काफ़ी लोगों के घर के अंदर ही मछली लोग पकड़ने लगे हैं अपने घर पे। यानी कि लांगटिंग के आप घर के अंदर ही आप लोग मछली पकड़ने लगे क्योंकि बारिश का पानी पूरी तरीके से घर में घुस गया। तो ये दृश्य आप लोग देखिए और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एनएच। धन्यवाद। दिब्रा रेम्बा खनि नो बिसे रेम्बा एब ना खनि ब्रा माइबा दे दे पानी क्या गनु पर डूब गया? पूरा पानी डूब गया। पानी तो मतलब किधर से? मतलब ड्रेन से ना कैसे? ड्रेन से भी हाटिंग का पानी से भी पूरा पानी ही डूब गया। पानी डूब गया मतलब अब क्या ड्रेन ठीक नहीं है क्या ना कैसे? हाँ ड्रेन ठीक नहीं है, पूरा उधर ब्लॉक कर दिया ना इसलिए। ड्रेन ब्लॉक है, ड्रेन बनाने से तो पानी भी चला जाता रहा, इतना साल से तो पानी चला जाता। इस बार फर्स्ट टाइम ज़्यादा तो अच्छा, मतलब पहले तो ऐसे नहीं होता था? पहले होता था लेकिन इतना नहीं होता है, इस साल ज़्यादा हुआ क्योंकि ड्रेन तो पूरा ब्लॉक हो गया ना इसलिए। अच्छा। पूरा घर में भी पूरा पानी एकदम कादा बालू सब पूरा हो भर्ती हो गया।